हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एक और चार्ट ऑफ द वीक की वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टाइम से हमें मार्केट में एक वापस तेजी आती हुई दिख रही है। कुछ समय पहले करेक्शन आई थी जिसको हमने लकीली एंड अगेन लकीली इसलिए क्योंकि उस समय हम ऑब्जर्व कर रहे थे, मार्केट्स को हम बहुत ज़्यादा ढंग से देख रहे थे, सो वी वर एबल टू कैच इट एंड वी रियलाइज कि थोड़ी डीप करेक्शन होगी। बट मेरे ख्याल से वो फेज जा चुका है। अब आप डेफिनेटली अपनी ट्रेडिंग वगैरह वापस ढंग से रिज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप मेरी तरह एक बुल हैं तो आप चाहते हैं कि बाई साइड की ट्रेड्स आपको ज़्यादा मिले, तो वो कहीं ना कहीं आपको बड़ी आसानी से अब दिख रहा होगा। एक चार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और एक चार्ट हमेशा की तरह ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए जा रहा है कम्युनिटी टैब में। तो अगर अब तक आपने वो ज्वाइन बटन नहीं दबाया है तो उसको दबाएं। ब्रॉन्ज मेंबरशिप अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सिल्वर मेंबरशिप अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंटेंट, जो कि हमारी जैसे स्टॉक एनालिसिस वीडियो होती है उनका एक्स्ट्रा कंटेंट होता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। ट्रेडिंग व्यू की मेरी प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ट्स अपलोड करता हूँ, तो वहाँ जाके भी चार्ट्स देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में कॉन्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और वहीं पर इस वीडियो को एंड भी करेंगे। हेलो गाइज, हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक, इट्स वन ऑफ माय मोर फेवरेट कंपनीज मैं कहूँगा। आपने इसका स्टॉक एनालिसिस वीडियो भी देखा होगा मेरे चैनल के ऊपर जो हमने किया था। मिड कैप आईटी कंपनी है, बहुत ही दमदार कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की पेरेंटेज है और माइंडट्री इसकी सब्सिडरी भी है। LTI के अंदर एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट आता है वो दिखाया। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 6950-6947 पे लाइन आती है, बट आप यही मान के चलें थोड़ा 6950 का आप स्टॉप लॉस मान के चलें, थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। 7000 में आपको नहीं देना चाह रहा स्टॉप लॉस के लिए, बट 6950 लुक्स लाइक अ गुड स्टॉप लॉस। अभी इसकी कहीं ना कहीं एक बहुत ही सॉलिड कैंडल आई है ऊपर। आप में से कुछ लोग ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे कि जतिन वॉल्यूम नहीं है, बट मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में देखा है बहुत बार की वॉल्यूम फॉलो कर जाती है। तो अगर प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है तो मेरे लिए बाई होता है वहाँ पे, एंड कहीं ना कहीं LTI इज़ अ कंप्लीट बाय एट दीज लेवल्स। मंडे की कैंडल अगर आपको रीटेस्टिंग की मिलती है बहुत ही अच्छी बात है, आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बट नहीं भी मिलती तो आई एम नॉट वरीड। आपने देखा है कि LTI की जब चाल आती है तो किस हिसाब से आती है, आप देख सकते हैं मेरी पूरा इनलाइंस यहाँ पे ड्रॉन है, कहने के चैनल वगैरह बना के निकला था और बहुत ही सीध में चार्ट आपका ऊपर चला है। यहाँ पे थोड़ी एक रेजिस्टेंस जरूर आई थी एक बार को, बट बहुत ही छोटी थी, और यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो LTI रहेगा आप लोगों का चार्ट ऑफ द वीक। इसके टारगेट्स किस हिसाब से लेंगे तो आप में से सबको पता ही है, अगर स्पेशली आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि फिबोनाची एक्सटेंशंस आर नॉट माय फेवरेट थिंग्स टू यूज फॉर टारगेट्स। तो लेट अस सी, चार्ट को मौका देते हैं। 10% ऊपर जाएगा, 15 जाएगा, 20 जाएगा, कहाँ जाके कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन कैसा होगा, कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं आपको इसी टाइप का पैटर्न देखने को मिल सकता है कि चार्ट आपका कंसोलिडेट हो रहा है, और हो सकता है कि लंबी कंसोलिडेशन में अगर जाना हो तो इस टाइप का पैटर्न भी बना दे चार्ट। तो वो देखेंगे, जब होगा तब होगा। अभी के लिए स्टॉप लॉस यहां रखो और इसको एंजॉय करो, इसमें जाके बाइंग आप कर सकते हैं। बट गाइस, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस, तो वो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस मुझसे सीखना तो मेरा पूरा जो अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम है वो प्राइस के अराउंड है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे को कह सकते हैं, मैं 1-on-1 पढ़ाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपकी स्पीड से हम चलें, एंड उसके बाद आपको 1-on-1 बेसिस पे अगेन मेरे साथ ही पूरा 1 month का बैकएंड सपोर्ट भी मिलता है। राइट, तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये मान के चलें कि 1 महीना हैंड होल्डिंग रहती है उसमें आपकी 100%। तो अगर आप वो करना चाहते हैं आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कितना सिंपल, कितना क्लीन, कितना क्लियर स्ट्रक्चर है। बिल्कुल इनडिसाइसिव कैंडल्स बनाता हुआ जा रहा था और जब ब्रेकआउट देना था तो एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट देके बात ही खत्म कर दी। तो बहुत ही क्लीन चार्ट है, बहुत ही क्लियर चार्ट है, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है और बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी। आप रैली देख सकते हैं इसकी किस हिसाब से चली है, पूरा IT में रैली अच्छी रही है, बट कहीं ना कहीं LTI हैज बीन वन ऑफ दी आउट परफॉर्मर्स इवन इन दैट रैली। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत तेजी से गए, माइंडट्री वगैरह, तो उनमें भी LTI का नाम कहीं ना कहीं आता है, बिकॉज अगर आप लार्ज कैप ITs देखेंगे तो मे भी आपको इतना बड़ा मूव आता हुआ नहीं दिखा है उनके अंदर। बट येस, ITI एज अ पैक इज डूइंग वेरी वेरी वेल, एंड LTI इसलिए आप लोगों का होता है चार्ट ऑफ द वीक। ब्रॉन्ज मेंबर्स जाइए कम्युनिटी टैब में और अपना सेकेंड चार्ट चेकआउट करें, बहुत ही प्यारा चार्ट है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद।
और हमारी फंडामेंटल कवरेज कहीं ना कहीं उस कंपनी पे आ रही है और हमें समझ आ रहा है कि क्या कर रही है। कंपनी थोड़ी साइज में छोटी है, हो सकता है उसको, इसलिए आपको उसके अंदर जो चाल बनती हुई दिखे बहुत जल्दी बनती हुई दिखे, तो उसको मत छोड़ना। स्टॉप लॉसेज रिलीजियसली फॉलो करना, यहाँ पे बहुत ढंग से फॉलो करना, उनके बिना कभी भी कोई ट्रेड मत लेना और समझ के करना। अगर आप एग्री नहीं करते, आपको चीज़ समझ नहीं आती, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पे करने को, चीज़ों को समझ के करें लेके। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, जय हिंद।